Very good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss chapter number 6. Name is Introduction to Scratch. Scratch क्या है? Scratch एक browser application है जो आपको animated image, animated game को develop करने में आपकी help करती है. एनिमेटेड क्या होती है? एनिमेटेड वो चीज़ें होती हैं जो आपकी मूव होती हो और रोटेट होती हो, उनको हम कहते हैं एनिमेटेड. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द कंप्यूटर इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है जो है इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आउट वर्क करता है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बिगेन. ये टोटली ह्यूमन बिगेन से अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि ये अपने आप काम नहीं कर सकता. इससे काम करवाने के लिए आपको इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि आपको ये काम करना है. अब आपको कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, यानी कि ये क्या कर रहे हो? आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. Suppose you want to express your feeling to your family and friend. आप यहाँ पर example दिया हुआ है कि आपने अपनी feeling को express करना है अपने friend और family के सामने. आप कैसे करोगे? आपको ये करने के लिए कोई ना कोई medium की ज़रूरत होगी. या तो आप अपनी फीलिंग को बोलकर या तो उसको लिखकर एक्सप्रेस करोगे. जो ये मीडियम है, जो ये वे है जिस वे से आप अपनी फीलिंग को बता रहे हो, तो उस वे को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. इसी तरह से कंप्यूटर को भी अपनी फीलिंग को समझाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जो कंप्यूटर पढ़ सके, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके. Similarly, to give instruction to the computer, you need to learn language that a computer understand. वही है कि आपको कोई ना कोई तो लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी जिससे कंप्यूटर या जिसको कंप्यूटर ईजिली समझ ले. तो इट अंडरस्टैंड ओनली फ्यू स्पेशल लैंग्वेज. तो ऐसी कुछ स्पेशल लैंग्वेज बनी हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उनको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न वन सच लैंग्वेज नॉन है स्क्रैच. इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक न्यू लैंग्वेज जिसका नाम है स्क्रैच. Scratch is a program used for making simple animations and games. ये क्या होती है? आपकी simple animations और games को बनाने में आपकी help करती है. It contains a library of character that you can use. इसके पास बहुत सारे characters होते हैं जो क्या करते हैं? आपकी animated image या animated game को बनाने में ये characters help करते हैं. These characters are known as sprite. इनको हम क्या कहते हैं? स्प्राइट कहते हैं. स्क्रैच हेल्प इन डेवलपिंग गेम्स एंड ग्राफिक्स दैट यू कैन सी, यूज एंड एंजॉय. यानी कि स्क्रैच आपकी वो वाली एनिमेशंस, एनिमेटेड इमेज को बनाने में आपकी हेल्प करता है जिनको आप यूज़ भी कर सकते हो, देख भी सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो. इट प्रोवाइड यू अ ग्राफिकल इन्वायरमेंट दैट Let you learn the programming in easy and fun manner. यानी कि अब हम स्क्रैच को सीखते हैं कि स्क्रैच को कैसे काम करता है, स्क्रैच को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसमें प्रोग्राम कैसे बनते हैं. नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है स्टार्टिंग स्क्रैच. अब यानी कि अब आपको क्या करना है? स्क्रैच को ओपन करना है, स्क्रैच को स्टार्ट करना है. स्क्रैच को या किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो? स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो. स्टार्ट बटन कहाँ है? ये रहा आपका. इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करते हो? जो आपका ये सर्च बार है यहाँ पर, उस एप्लीकेशन का नाम लिखते हो. तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है? स्क्रैच 2, यानी कि एप्लीकेशन का नेम टाइप करना है. नेम टाइप करने के बाद आपने क्या करना है? जैसे ही आप नेम टाइप करोगे स्क्रैच 2, आपका क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्ले हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको स्क्रैच 2 की एप्लीकेशन का नेम डिस्प्ले हो रहा है. इस पर क्लिक करके, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, स्क्रैच 2 के नीचे एक विंडो दिखाई दे रही है. इस तरह की एप्लीकेशन आपके ओपन या डिस्प्ले आपको ये नज़र आएगी. इस विंडो में ना कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं स्क्रैच विंडो के.
पहला है आपके पास स्प्राइट। स्प्राइट आर दी ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प इन मेकिंग अप दी स्क्रैच प्रोजेक्ट। ये क्या होते हैं? आपके ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्क्रैच विंडो, स्क्रैच के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टेज। इट इज़ वेयर द स्प्राइट परफॉर्म मूव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर आपके सारे के सारे स्प्राइट मूव एंड इंटरैक्ट करती हैं। अब आपको इस विंडो में ये कैट की शेप नज़र आ रही है, कैट की पिक्चर नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? स्प्राइट कहते हैं। और बैक में एक वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर आपके कैट की शेप डिस्प्ले हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास टूल बार। देयर आर फोर टूल्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू प्रोग्राम परफॉर्म एन एक्शन ऑन दिस स्प्राइट। यानी कि ये वो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो क्या करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक्शन परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करते हैं स्प्राइट पे। अगर कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको इन फोर टूल्स की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। इसके अंदर फर्स्ट टूल दिया हुआ है डुप्लीकेट। ये क्या करता है? कोई भी अगर आपने स्क्राइप्ट ली हुई है उसके डुप्लीकेट कॉपी चाहते हो तो आपने इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? वो ये रहा, यहाँ पर आपको टूल बार नज़र आ रहा है। टूल बार के फर्स्ट ये क्या है? आपका डुप्लीकेट। इससे कोई आप किसी भी स्प्राइट की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हो। सेकंड नंबर पे आपको सीजर की शेप नज़र आएगी। ये क्या करती है? आपकी कोई भी अगर आपने कोई भी यहाँ से स्क्राइब को कट करना है उसको कट करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपके पास जूम इन। अगर आपने किसी भी स्क्राइब को जूम इन करके बड़ा करके देखना है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। फोर्थ है जूम आउट, यानी कि अगर आपको जूम आउट, एक है जूम इन, दूसरा है आपके पास जूम आउट। नेक्स्ट है आपके पास न्यू स्क्राइप्ट बटन। दिस आर यूज टू क्रिएट अ न्यू स्क्राइप्ट। ये क्या करती है? आपकी न्यू स्प्राइट को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करती है। ब्लॉक प्लेट। इट इज मेनली यूज टू गिव दी वेजियस इंस्ट्रक्शन लाइक मूव, रोटेट एंड प्ले म्यूजिक टू अ स्प्राइट। यानी कि एक प्लेट है, ये ब्लॉक प्लेट है, इसकी हेल्प से आप क्या करते हो? ये जो ब्लॉक प्लेट है आपकी हेल्प करती है आपके जो स्क्राइप्ट आपने ली थी, स्क्राइप्ट ली थी स्टेज पर, उसको मूव करना है, उसको रोटेट करना है या उसको प्ले करना है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करती है। आपने ये विंडो अभी अभी देखी थी, इसके अंदर ये जो ब्लू प्लेट्स, ये ब्लू कमांड्स नज़र आ रही हैं, ये सारी के सारी किसके अंदर? एक जगह इकट्ठी की गई है। किसके अंदर इकट्ठी की हैं? ब्लॉक प्लेट के अंदर। यानी कि ये सारी के सारी आपकी कमांड्स, इंस्ट्रक्शन हैं जो आप अपनी स्क्राइप्ट पर परफॉर्म करना चाहते हो। नेक्स्ट है आपके पास स्क्राइप्ट लिस्ट। इट इज द थंब लेंस ऑफ ऑल द स्क्राइप्ट दैट आर डिस्प्ले इन द प्रोजेक्ट। यानी कि ये वो लिस्ट होती हैं जितनी भी आप अपनी, मतलब यहाँ पर आपने सपोज करो मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल स्क्राइप्ट ली हुई है स्टेज पर, यहाँ पर आपको नीचे स्मॉल पिक्चर्स नज़र आएगी। जितनी भी आप ऊपर स्क्राइप्ट लोगे उतनी ही स्क्राइप्ट की थंब लेंस, यानी कि स्मॉल आइकन, स्मॉल पिक्चर्स नज़र आएंगे, उनको हम बोलते हैं स्क्राइप्ट लिस्ट या थंब लेंस ऑफ स्क्राइप्ट। नेक्स्ट है आपके पास स्क्रिप्ट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द स्प्राइट। यानी कि ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शंस होता है जो आप स्प्राइट पर परफॉर्म करना चाहते हो। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट एरिया। हेयर ऑल दी ब्लॉक्स
इंस्ट्रक्शन फॉर दिस क्राइप्ट आर प्लेस्ड, ये कौन सा ब्लॉक है? यहाँ पर आपको राइट में एक ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया। यहाँ पर जितनी भी आप यहाँ से कमांड या इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करते हो, आप इस साइड उसको डिस्प्ले यानी कि इस साइड आप उसको रखते हो, इकट्ठा करके रखते हो, यानी कि इस साइड आपके क्या हो जाती हैं कलेक्शंस ऑफ कमांड्स या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस वीडियो में हमने स्क्रैच क्या होता है, स्क्रैच को कैसे स्टार्ट करते हैं और स्क्रैच के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि स्क्रैच के अंदर एक प्रोजेक्ट को कैसे बनाते कैसे हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट।